इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सवाई सिंघई श्री अल्केश जी, अध्यक्ष श्री शांति धाम बीना जी बारहा, श्रीमती नेहा जी, अभी कुमार, कुमारी मैत्री जैन एवं समस्त कोयला परिवार। जयश्री दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज आपके समक्ष लेकर आए हैं मध्य प्रदेश राज्य की धार्मिक धरा देवरी स्थित श्री शांति धाम अतिश्य क्षेत्र बीना जी में आयोजित वार्षिक मेला 2022 व 2023 एवं महामस्तिकाभिषेक की मंगलकारी झलकियां। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्या सागर जी महाराज के आशीर्वाद से 31 दिसंबर 2022 से 2 जनवरी 2023 तक चले इस कार्यक्रम में श्रद्धालुओं को परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 संभव सागर जी महाराज सत्संग का सानिध्य प्राप्त हुआ। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस भव्य कार्यक्रम के मनोहारी दृश्य। मध्य प्रदेश प्रांत के देवरी स्थित श्री शांति धाम अतिश्य क्षेत्र बीना जी में 31 दिसंबर 2022 से 2 जनवरी 2023 तक परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्या सागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 संभव सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी वार्षिक मेला 2022 व 2023 एवं महामस्तकाभिषेक का आयोजन किया गया। इस भव्य आयोजन में प्रथम दिन यानी 31 दिसंबर 2022 को कार्यक्रम की शुरुआत ध्वजारोहण से पूर्व की मांगलिक क्रियाओं के साथ हुई। मांगलिक क्रियाओं के साथ ही गुरुवर के सानिध्य एवं विधानाचार्य जी के निर्देशन में सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने गगनभेदी जयकारों के मध्य विधि पूर्वक ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के बाद श्रद्धालुओं ने परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 संभव सागर जी महाराज के मुखार बिंद से हुई अमृत वर्षा का रसपान किया। गुरुवर के आसन ग्रहण करने के बाद समिति पदाधिकारियों एवं विशिष्ट जनों ने अपने विचार भी व्यक्त किए। बंधुओं, जहां तक मेरे से कहा गया है कि क्षेत्र के बारे में, तो मैं सोचता था कि कल उसको विस्तार से बताऊं, लेकिन मैं समतर्फ से बताना चाहता हूं कि बहन 78 में आचार्य भगवान प्रथम बार इस बीना वाराय क्षेत्र पर विराजमान हुए थे। उस समय आचार्य भगवान के साथ में पूज्य मुनिश्री जो अभी मुनिश्री हैं, उस समय छुल्लक जी की अवस्था में श्री समय सागर जी, श्री योग सागर जी, श्री नियम सागर जी और श्री चेतन सागर जी महाराज जी छुल्लक अवस्था में यहाँ आए थे। आज मुझे पूजने का अवसर मिला, दर्शन करने का अवसर मिला, आचार्य श्री निर्णय श्रवण संबत सागर महाराज जी समस्त मुनि गण जो यहाँ विराजमान हैं, समरणी और आदरणीय समस्त बहने। मैं तो मूल रूप से किसान पुत्र था, लेकिन पढ़ाई लिखाई के बाद मेरा ध्यान साहित्य की ओर था और साहित्य का मैं काम कर रहा था। जो हमारे यहाँ का साहित्य विलुप्त हो रहा था, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, कहावतें, लोकगीत, लोक कथाएँ आदि आदि, उन पर काम कर रहा था। इधर सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने गुरुवर को जिनवाड़ी जी भेंट की, तो वहीं विधानाचार्य श्री विनोद भैया जी ने भजन गाकर परिसर में भक्ति का रस घोल दिया। इस संगीत
पद वातावरण एवं मंत्रोच्चारण के बीच श्रावक श्रेष्ठियों ने प्रभु को अर्घ्य समर्पण कर मंगल कामना की। कार्यक्रम की अगली कड़ी में श्रावक श्रेष्ठियों ने मंगल दीपों से प्रभु एवं गुरुवर की आरती उतारी। अब समय था संगीत संध्या का। संगीत संध्या में विधानाचार्य जी एवं गायकों ने देश धर्म एवं संस्कृति से उत्प्रोत कर्णप्रिय भजन सुनाकर श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, ऐ प्रिय जहाँ की री सदा। विद्यासागर जी का चेला हूँ, आचरण की बात सुनाता हूँ, इस गुरु ने हमको ज्ञान दिया। जब जब उठा मुझ पे सवाल, प्रभु तेरी भक्ति मन लाई, जीना जीना रे उड़ा गुलाल, प्रभु तेरी भक्ति मन लाई। अतिथि क्षेत्र बीना बारह में तीन दिवसीय मेला का ध्वजारोहण कार्यक्रम परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से एवं संभव निर्यापक संभव सागर जी ससंग सानिध्य में एवं आरिका 105 अनंतमती माता जी ससंग सानिध्य एवं आरिका 105 विमलमती माता जी ससंग सानिध्य में ध्वजारोहण संपन्न हुआ। कल यहाँ मूल नायक शांतिनाथ भगवान आदिनाथ भगवान का महामस्त का अभिषेक होगा एवं परसों आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज जी की महापूजन कार्यक्रम होगा। इसमें देवरी क्षेत्र, महाराजपुर क्षेत्र, केसरी, गौरजामार, सहजपुर, सारे जगह के लोग, क्षेत्र के लोग यहाँ मेला में सभी का निमंत्रण है। इस त्रिदिवसीय आयोजन के दूसरे दिन नववर्ष 1 जनवरी 2023 को कार्यक्रम की शुरुआत प्रभु के नमन वंदन के साथ हुई। जिन जिन ने ये मोती लूटे दे माला माल हुए, जिन जिन ने ये मोती लूटे दे माला माल हुए, दौलत के जो बने पुजारी। अब वह समय आया जिसकी सभी को प्रतीक्षा थी, यानी प्रभु के महामस्तिकाभिषेक की। जैन उपासकों ने 1008 श्री आदिनाथ भगवान की पद्मासन प्रतिमा पर पवित्र जल के कलश डुराकर विश्व कल्याण की भावना भाई। महामस्तिकाभिषेक के उपरांत गुरुवर के मुखार बिंद से उच्चारित मंत्रों के बीच जिनेन्द्र भक्तों ने तीर्थंकर की शांति धारा कर अपना जीवन धन्य किया। ओम ह्रीम क्रोम मम पापम खंडय खंडय जय जय दह दह पच 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 ओम नमो अरहन नमः अरहन झम धीम धीम हम सम धम बम है यह सह पह है छाम छीम छूम छेम छेम छौम छौम छम छह छीम हाम ह्रीम ह्रूम ह्रौम है हम हम दाम दीम दबे दबे। इस अवसर पर अन्य सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने भी प्रभु की भव्य प्रतिमा पर मंगल कलश डुराकर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। प्रभु जी के चरण पखारे धन भागे हमारे। इधर प्रभु को पांडुक शिला पर विराजमान करने के बाद अभिषेक एवं शांति धारा की गई। सर्वा
ज्ञान वेद शांतिधारा के बाद विधानाचार्य जी के निर्देशन में श्रावक श्रेष्ठियों ने मंडल जी पर अष्टमंगल द्रव्य स्थापित कर अर्घ्य समर्पित किए। सबको गले से लगाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो। छाया है चहुर अंधेरा भटक गई है दिशाएं मानव बन बैठा है दानव। अगली कड़ी में श्री शांति विधान के अंतर्गत श्रावक श्रेष्ठियों ने अर्घ्य समर्पण करते हुए विधि पूर्वक शांति हवन कर विश्व में सुख शांति एवं समृद्धि की भावना भाई। ओम रीम जग शांति कराए श्री शांति नाथाए नमः सर्वपत्रो शांतिम गुरु गुरु। ओम रीम जग शांति कराए श्री शांतिनाथाय नमः सर्वभद्रो शांतिम कुरु कुरु। ओम रीम जग शांति कराए श्री शांतिनाथाय नमः सर्वभद्रो शांतिम कुरु कुरु। ओम रीम जग शांति कराए श्री शांतिनाथाय नमः सर्वभद्रो शांतिम कुरु कुरु। आयोजन के समापन दिवस यानी 2 जनवरी को कार्यक्रम की शुरुआत प्रभु की शांति धारा के साथ हुई। अस्माकं श्री उपस्थित समस्त जनानां च श्रीरस्तु वृद्धरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतरस्तु कांतरस्तु कल्याणमस्व एवम् अस्माकं कार्य सिद्ध्यर्थं सर्वविघ्ननिवारणार्थं श्रीमद्भगवद् अरहत् सर्वज्ञ परमेष्ठे परम पवित्राय नमो नमः। शांतिधारा के उपरांत श्रावक श्रेष्ठियों ने माताजी एवं विधानाचार्य जी के निर्देशन में आचार्य श्री का विधि पूर्वक महापूजन कर गुरुवर के निमित्त अष्टद्रव्य अर्पित किए। ओम रोम समाज संस्कृति उन्नायक युग प्रवर्तक समाज सम्राट आचार्य भगवंत गुरु विद्यासागर जी मने आचार्य श्री के निमित्त महापूजन करते हुए श्रावक श्रेष्ठियों ने अष्टद्रव्य अर्पण एवं आरती कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। कार्यक्रम की अगली कड़ी में संघस्थ माता जी ने संस्मरण सुनाते हुए अपने संदेश कुछ इस प्रकार दिए। तो गुरुदेव पुनः बोले कि देखो ये बताओ आप कि जब आप कोई अनाज की दुकान में जाते हैं गेहूं चना बाजरा तो आपको उसका सैंपल मिलता है वानगी मिलती है। तो उन्होंने कहा जी गुरुदेव मिलता है। और यदि तुम कोई हीरे जवाहरात रत्न मोती की दुकान में जाते तो वहाँ मिलता है क्या तुम्हें वानगी? तो उन्होंने कहा नहीं गुरुदेव। तो गुरुजी बोले बस ठीक ये भी शुद्ध रत्नात्रेय की दुकान है। शुद्ध रत्नात्रेय हीरे जवाहरात की दुकान यहाँ पर कोई सैंपल नहीं बल्कि उस भगवान कुंद की चर्या को साक्षात जीवंत जीने वाले
ऐसे महान संयम के सम्राट हुआ करते हैं। तो इस प्रकार से आचार्य भगवंत पग पग पर पल पल में एक ऐसी प्रेरणा अध्यात्म की ओर हमें ले जाते हैं। वहीं परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 संभव सागर जी महाराज ने आगम में वर्णित गुरु मुनि एवं संतों की परिभाषा को बारीकी से बताते हुए श्रद्धालुओं को गृहस्थ जीवन सुगम बनाने के उपाय भी समझाए। अब जमाना थोड़ा बदल रहा है, उस जमाने के साथ साधु नहीं बदलेगा, और साधु बदलता है तो साधुत्व नहीं रह जाता है। तो साधु जैसे अभी कहा ना, रियल लाइफ और रियल लाइफ दोनों में बहुत अंतर है। तो जो रील के हीरो हैं वह तो रील में ही दिखते हैं, पर जो रियल के हीरो हैं वह रील में नहीं आते। इधर आयोजन की समापन बेला पर पदाधिकारियों ने कार्यक्रम को लेकर अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। अतिशय क्षेत्र जो कि आचार्य श्री के आशीर्वाद से अधिक प्रतिदिन उसका विकास हो रहा है, और यहाँ चारों तरफ आज इसकी प्रशंसा हो रही है। हम आचार्य श्री के इस क्षेत्र पर चार चातुर्मास हो चुके हैं। हम लोगों पर, हमारे क्षेत्र के लोगों पर यहाँ बहुत ही उनके हथकरघा शांति धारा और गयोदय पशु गयोदय पहिया जी लोगों के मार्गदर्शन में चल रहा है। आचार्य श्री के आशीर्वाद से सभी कार्य हो रहा है। हम लोगों को यहाँ उनकी कृपा से सभी गांव वालों को रोजगार भी प्राप्त हो रहा है। हम सभी लोग उनके बहुत बहुत आभारी हैं और बहुत ही गौरवान्वित भी हैं। इसी के साथ यहाँ प्रति वर्ष अनुसार 3 दिवसीय मेला का आयोजन हुआ, बहुत ही सफल आयोजन रहा। महाराज श्री संभव सागर जी, माता श्री अनंतमती माता जी और आरिका विमलमती माता जी के सानिध्य में यह कार्यक्रम बहुत ही अति उत्साह के साथ हम लोगों ने संपन्न कराया। दर्शकों, भी आपने परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्या सागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 संभव सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में आयोजित वार्षिक मेला 2022 व 2023 एवं महामस्तिकाभिषेक कार्यक्रम की भक्ति भावना से परिपूर्ण झलकियों का आनंद लिया। पुनः बता दें कि ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश राज्य की पावन भूमि देवरी स्थित श्री शांतिधाम अतिशय क्षेत्र बीना जी में 31 दिसंबर 2022 से 2 जनवरी 2023 के मध्य आयोजित किया गया। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। फिर भेंट होगी आपसे, लेकिन इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, आपको याद दिला दें कि जिनवाड़ी चैनल के रिलीजियस सिंगिंग रियलिटी शो सर्वविद्या सीजन 2 के लिए ऑनलाइन ऑडिशन की लाइन बहुत जल्द क्लोज होने जा रही है। तो यदि अभी तक आपने अपना ऑडिशन वीडियो हमें नहीं भेजा है तो तुरंत जिनवाड़ी चैनल ऐप को अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड करें और बिना समय गवाए शो के लिए अपनी एंट्रीज हमें भेजें। आप हमें अपना ऑडिशन वीडियो हमारे व्हाट्सएप नंबर 6397999749 पर भी भेज सकते हैं। तो जल्दी कीजिए, क्योंकि अब नहीं तो इस बार नहीं। जय श्री। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे सवाई सिंघई श्री अल्केश जी, अध्यक्ष श्री शांति धाम बीना जी बारहा, श्रीमती नेहा जी, अभी कुमार, कुमारी मैत्री जैन एवं समस्त कोयला परिवार।